नमस्कार मित्रों, मैं तरुण जयंतीभाई बारोट। आज हम पॉलिटिकल हायरार्की की बात करेंगे। पॉलिटिकल हायरार्की में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत का एक सदस्य होता है, उसको 800 या 1000 वोट में उसकी चयन होता है, उसका चयन 800 से 1000 वोट में होता है। 5 या 7 ग्राम पंचायत को मिला ले तो एक सदस्य तालुका पंचायत का बनता है। उसको अगर देखे तो टोटल उसके अंदर 10-1000 वोट आते होंगे। उसके ऊपर 5 या 7 तालुका पंचायत के सदस्य, या इंग्लिश में जिसको डेलीगेट बोलते हैं, की सीट मिला के एक जिला पंचायत का डेलीगेट बनता है। और 5 या 7 जिला पंचायत के डेलीगेट का जो एरिया होता है उसको मिला के एक MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। 2 लाख से लेके 3 या 4 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक MLA की होती है। और यह 5 या 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी इकट्ठी की जाए तो एक MP की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। MP मतलब लोकसभा वाला MP, राज्यसभा का MP इसमें नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि राज्यसभा का MP जो है वो MLA उसको चुन के भेजते हैं। अगले एपिसोड में जो हमारी बात हुई वो ग्राम पंचायत और अर्बन डेवलपमेंट वाला एरिया, तो अर्बन के अंदर जो वार्ड है वो एक तालुका के बराबर उसको कंसिडरेशन मिलता है। जैसे मैंने आगे बोला वैसे 2 प्रकार के MP होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के टोटल इंडिया में 543 MP है और राज्यसभा में 245 MP है। लोकसभा MP और राज्यसभा MP में पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस उतना ही है। लोकसभा का MP डायरेक्ट पब्लिक के वोट से बनता है और राज्यसभा का MP MLA के वोट से चुना जाता है। राज्यसभा जो है वो अनइंटरप्टेड चलती है। लोकसभा के MP का टर्म होता है 5 साल, राज्यसभा के MP का टर्म होता है 6 साल। हर 2 साल में 1/3 MP का रिटायरमेंट होता है। करीब 80 या 82 MP हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं और 80-82 MP नए आते हैं। तो एक बार जिसका चयन होता है वो 6 साल के बाद उसका रिटायरमेंट आता है। किसी भी परिस्थिति में कोई इम्पोर्टेंट निर्णय लेना होता है तो अपर हाउस का वेटेज ज़्यादा रहता है। राज्यसभा के जो 245 MP होते हैं उसके अंदर 233 MP वेरियस स्टेट गवर्नमेंट से MLAs उनको चुन के भेजते हैं और 12 MPs जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है डायरेक्ट, जो हर एक अलग अलग क्षेत्र के बड़े आदमी होते हैं उनको नॉमिनेशन होता है उसके अंदर। और दूसरी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आपको खाली उसके लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड से आपको पता करना हो कि ये लोकसभा का MP है या राज्यसभा का MP है, तो उसको अपने गवर्नमेंट ने एक कलर कोड दिया हुआ है। अगर आप TV देखते होंगे तो राज्यसभा TV का जो कारपेट है वो रेड कारपेट है और लोकसभा का कारपेट ग्रीन है, तो वही चीज़ उनके स्टेशनरी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। उनका कोई भी MP का अगर आप लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड देखो तो वो उसी कलर का होगा कि जिसके वो हाउस की कारपेट होगी। मतलब अगर लोकसभा का MP है तो वो ग्रीन कलर यूज़ करता है और राज्यसभा का MP है तो वो रेड कलर यूज़ करता है। आम जनता और युवा पीढ़ी को ये मेरे वीडियो पसंद आते होंगे और मेरा निवेदन है कि मेरा फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे भी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम।